जो तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी दोस्ती, ये सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उसी नजर से तुम्हें देखता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम शादी कर लो, फ्रेंडली वाइफ बन जाऊंगी, सिंपल। मैं जानता हूँ कि मेरा तलाक हो चुका है और शायद वो लड़की वापस भी ना आए, लेकिन आज भी दिल की गहराइयों से मैं उसी लड़की को अपनी पत्नी मानता हूं और मरते दम तक मानता रहूंगा। Yeah, sure. My pleasure. Are you staying in this hotel? Yeah, only? Same hotel. Alone? Absolutely. So, after party in your room? Why not, baby? Nice muscles, huh? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके साथ बेहुदा बातें करते हुए? कपड़े कम हो गए, अकल भी कम हो गई? Shame on you. कौन हो तुम? मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें उससे क्या? मुझे टोकने का हक किसने दिया तुम्हें? उस चुड़ैल के बारे में मैंने पूछा? छी! मुझे मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछना होगा। छी! What's your problem? हाय, कैसे मारा है मेरे नए नवेले दोस्त को? तुम आदमी हो के क्या हो? अभी बताता हूँ। सारी दुनिया को मंदिर का घंटा समझ रहा है क्या? जिसे जब देखा जहाँ देखा बजा दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता है मैं क्या करूँगी? क्या करेगी? बता जल्दी। मैं गुस्से में कुछ भी कर जाऊंगी। क्या कर जाएगी? मैं भाग जाऊंगी। रुक रुक, आज तेरा गुस्सा देखता हूँ। रुक जा, पागल बन के दौड़ रहा है। सॉरी बॉस, आई एम वेरी सॉरी जो। अरे इट्स ओके यार, तेरे लिए कुछ भी करूंगी। प्लीज जो। सॉरी 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 सॉरी, अब जरा मुस्कुरा तू। मुझे उसके लिए दुख हो रहा है यार। डर गए क्या? तुम्हारे साथ वो चुड़ैल नहीं आई? ओह, कपड़े बदल कर आएगी? हाँ, टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। पीछा छूटेगा तुमसे, बाय, जाओ। मैं जानती थी तुम्हारी सोच घटिया ही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इसी दिन के लिए मुझे प्रपोज किया था? मैं ही पागल थी, तुमने तो मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। खून के आंसू तो तुमने मुझे रुलाए हैं, शायद तुम भूल गई। याद है मेरी माँ पर तुम्हारे बाप ने हाथ उठाया और तुम कुछ नहीं बोले, खड़े खड़े बस देखते ही रहे, है ना? मेरे परिवार को तुम्हारी माँ ने जेल में ठूसने की धमकी दी थी, तब क्यों चुप थी? तुम्हें पता है मेरे पापा ने कभी मेरी माँ पर हाथ तक? तुम अगर औरत पर हाथ उठाओ तो मैं उसे मर्दानगी की निशानी समझूं। और अपने पति पर मंगलसूत्र फेंकना किस चीज की निशानी है? मतलब डिवोर्स ले लो। मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था, तेरी माँ ने भेजा था तेरे मामा को। डिवोर्स पेपर पर पहले तुमने साइन किए थे। मुझ पे इल्जाम लगाती हो, गलती तुम्हारी थी। गलती तुम करो, इल्जाम मैं लूं? तुम्हें तो मौका मिल गया उस चुड़ैल के साथ मजे करने का। ए, उसे बीच में मत घसीटो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है? तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा और तुमने मुझे ये सिला दिया, मुझे तलाक देकर, मुझे दुख देकर तुम उसके साथ मजे कर रहे हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर भरोसा कर लिया। बस अब और नहीं सहूंगी, बस ये बता दो कि सच्चा प्यार करने का भी यही सलाम मिलता है। निशा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? मैंने जहर खा लिया है ताकि तुम्हारी दुनिया से दूर जा सकूं,
ताकि तुम खुश रहो। क्या? अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी जिंदगी जी लेना। निशा, निशा, हे, निशा, ये मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरे पागल, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकता। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। कोई है? और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं नहीं जाऊंगा और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। Take care. Thank you, doctor. Welcome. Thank you. You're welcome. मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया था। मैंने सिर्फ तुम्हें से प्यार किया है। Stupid. मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? I love you. I love you too. हमारे साथ चलो ना, प्रेम तुम्हें वहाँ काम दिलवा देंगे। अरे हाँ, नहीं इसे रखो। एक बात कहूँ, आप दोनों हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, लड़ते हुए आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वादा करो आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, बाय। थैंक यू जीजा जी। I'm really very sorry. Seriously very sorry. नहीं नहीं, अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। तू लकी है, तू बहुत लकी है, पर अगले जन्म विच ये मेरा होगा। नहीं। ओनो, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये तो वही है ना। ओनो, मेरा भाई। कंट्रोल कर, छोड़, कंट्रोल कर, छोड़। रुक जाओ, मैं खुद इसके साथ आई हूँ। शर्म नहीं आती? अभी माँ को फोन करता हूँ। बहुत बड़ी हो गई है ना तू? हेलो, माँ। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम देखना, सब लोग हमें देखकर कितने खुश होते हैं। वो दोबारा हमें हनीमून पर भेजेंगे। शट अप। सॉरी, तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे पापा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अपने घर नहीं जाना, मेरे घर नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हम होटल में रुक जाते हैं। होटल? मेरे घर चलते हैं। मेरी बहनें तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब बता देते हैं, वो हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hey, क्या हो रहा है? यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, अंदर देखो, वो अंदर ही होगी। रुक जाओ। ये सब क्या नाटक हो रहा है? नाटक तो तुम्हारा बेटा कर रहा है। आखिरी बार बोल रही हो, अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसके टुकड़े कर दूंगी। अगर मैं औकात पे आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। हाँ? भाई तुम ही बताओ बात क्या है आखिर। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तुझे कुछ पता नहीं।
तेरा बेटा मेरी बेटी को एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया। देखा कैसे भोला बन रहा है। मेरा बेटा तो इंडिया में ही नहीं है। आहा, ये नाटक कर रहा है, घर की तलाशी लो। आप हमारा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर वो घर में नहीं है तो तलाशी लेने दे। नहीं पापा जी, अगर इनकी बेटी यहाँ नहीं है तो तलाशी लेने दीजिए। इस तरफ आ जाओ, जाने दो। अगर मेरी बेटी तेरे घर में मिल गई ना तो तेरी। वो दोनों यहाँ नहीं है। नहीं है? ए, इन सबको जल्दी से गाड़ी में डालो। प्रसाद, मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर में एक घंटे में पहुंच जानी चाहिए। समझे तुम? बस, वरना आज यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। याद रखना। चल तुम। जीजा जी, शर्म नहीं आती? तुम इस चुड़ैल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? दीदी ये क्या बोल रही हो तुम? प्रेम, तुम इसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर आए हो? दीदी अपनी मर्जी से यहाँ। लड़की जब भी घर आती कुछ ना कुछ होता है। तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ है? बताओ इसे कोई। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पर तो इसका जादू चल गया है ना? पर मैं चुड़ैल को यहाँ से भग... तुम्हें पता है इसकी माँ कितनी बेइज्जती करके गई है? इसने हम सबको यहाँ बाहर चोरों की तरह खड़ा कर दिया था। इसकी माँ ने पूरे घर की तलाशी करवाई। आखिर तुम इसे घर क्यों लाए हो? दरअसल पापा बात यह है कि ये मुझे मॉरिशस में मिली। मतलब तुम इसे अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आए हो? तुम ये नहीं जानते कि ऐसा करके तुमने पापा का सर नीचा किया है? इसकी माँ धमकी देकर गई है कि एक घंटे में इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब जेल में जाएंगे। आप जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दीदी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप जाकर उसकी माँ को समझाइए। हम लोग उन्हें क्यों समझाएं? इसकी माँ ने यहाँ पर आकर हम सबकी बुरी तरह से बेइज्जती की है। तो तुम क्या चाहती हो बताओ? तुम्हें इसे चुनना होगा या फिर अपने परिवार को। इस लड़की को मैं यहाँ लाया था अपने विश्वास पर। मैंने कहा था आप सब इसका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप इसे जाने को कह रहे हैं। ओके ओके, तुम इसे लेकर रहो घर में, हम सब यहाँ से चले जाते हैं। चलो पापा। दीदी प्रेम रुको, प्रेम रुक जा, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोग अलग मत होइए, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं प्रेम, तुम कहीं नहीं जाओगी। इस घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं, उनका जो फैसला होगा मैं मानूंगा। बोले पिताजी। इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। पापा ये आप तुम मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? यही है मेरा फैसला, इस लड़की को अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। इसमें इसका क्या कसूर है? मैं इसे लेकर। शंकर, मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी चाहिए। ठीक है। निशा के मिलते ही उन सबको मार डालना। सुचित्रा, हाँ। मेरी बच्ची आ गई। तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने?
प्लीज प्रेम, जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, प्रेम जाओ। पापा, चले गए। मैंने अपने परिवार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। पापा, आप लोगों को मेरी इमोशनल एक्टिंग कैसी लगी?